ओके सो बेसिकली जेनेरिक फॉन्ट फैमिलीज क्या है? सीएसएस के अंदर ना फाइव जेनेरिक फैमिलीज है, जेनेरिक फॉन्ट फैमिलीज फैमिलीज, ठीक है, इस तरह से। अभी अच्छा ये मैं नॉलेज इसलिए दे रहा हूँ ताकि इंपॉर्टेंट ही थोड़ा बहुत। तो सेरिफ एक है, सेरिफ, ओके ये वाला एक है। इसमें क्या है कि थोड़ा सा लाइक हर लेटर को कुछ ना कुछ एज रहेंगी, थोड़ा सा डिफरेंस है हर इसमें ना, हर फॉन्ट की फैमिली में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो मैं बस नाम लिखता हूँ यहाँ पे, आपको देखने पे समझ आ जाएगा वो। एक है सैन सेरिफ, इसमें क्या है कि क्लीन लाइंस रहेंगे, लाइक उसमें स्ट्रोक नहीं रहेगा। जैसे स्ट्रोक का मतलब क्या है कि लाइक आपकी जो दिखाता हूँ, चलो बॉर्डर टाइप समझ लो आप इसको। और मोनोस्पेस है कि जो हम लोगों ने ऑलरेडी आई थिंक देखा है, मोनोस्पेस है ना, इसको पहले भी देखा है मोनोस्पेस। और एक कर्सिव, वो भी हम लोगों ने देखा है कर्सिव। और एक होता है फैंटेसी, या पांचवा है फैंटेसी, फैंटेसी सिंपल। सो इसमें क्या है, ये जो लास्ट वाला है ना फैंटेसी, इसमें क्या है डेकोरेटिव और थोड़ा सा नहीं क्या ऐसे फॉन्ट दिखेगा आपको, दिखा दो। पांचों भी यूज करेंगे हम लोग भी, ठीक है। तो चलो फाइव यूज करते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है लाइक इनके जो लाइक, देखो अभी मैं दिखाऊंगा आपको तब समझ पाएगा अच्छे से कैसे ये चीजें दिखाने की आपको बातों से समझ में तो नहीं आएगी। हेलो वर्ल्ड, इसको 5 बार कर लेते हैं हम लोग। अरे 2 3 4 5, ठीक है, अरे ठीक है। अच्छा इसमें एक शॉर्टकट दिखाता हूँ, देखो आपको S2 सिलेक्ट करना है। अच्छा मेरे इसमें आई थिंक ये चलेगा नहीं, ओके मुझे पता है क्योंकि मैंने कुछ गलती से सेटिंग चेंज की है। बट आप लोग Ctrl D दबाएंगे ना यहाँ पे, देखो ऐसे सिलेक्ट करोगे ना, आपको मल्टी सिलेक्ट करने के लिए आप Ctrl D दबाएंगे तो आपकी इधर चलेगा वो, मल्टीपल सिलेक्ट हो जाएगा एक साथ पे, फिर आप लोग एडिट कर सकते हो उसको। मेरे इधर पे नहीं चलेगा वो, मेरे को सर्च यूज करना पड़ेगा क्योंकि मैंने कुछ गलती से सेटिंग की है, मैंने थोड़ा सा इशू किया है सेटिंग को, लाइक मैं भी रिप्लेस कर रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सिंपल स्टाइल इक्वल टू फॉन्ट, हमारी फॉन्ट लगाने की प्रॉपर्टी, मतलब अलग अलग फॉन्ट लगाने के लिए हमारे पास है फॉन्ट फैमिली नाम की प्रॉपर्टी। देन हम लोग क्या करेंगे उसमें फॉन्ट का नाम देते रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो भी नाम रहेगा हम लोग देंगे, लाइक हमको देना है समझो, हमको क्या देना है सिर्फ दे दो, ठीक है। इस तरह से देख के देखते हैं, ये जेनेरिक फॉन्ट फैमिलीज है एक्चुअल में, ठीक इस तरह से हुआ है। अब थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग, ये जो है ना सैन सेरिफ इस तरह से देते हैं, सेरिफ देते हैं एंड और कर्सिव। अच्छा कुछ और भी फॉन्ट हो गया है, ऐसे नहीं कि इतने ही फॉन्ट है हमारे पास अवेलेबल, ये जेनेरिक फॉन्ट फैमिलीज है बस, और भी काफी सारे फॉन्ट है। मोनोस्पेस एक होता है और हम लोगों ने क्या लिखा होगा फैंटेसी, ये थोड़ा सा डार्क इसका होगा। देखो अभी इसको हम लोग रन करके देखते हैं, इसको रेंडर करते कॉपी पाथ। लोग यहाँ पे देखो ये पांचों अलग अलग दिख रहे हैं राइट, देखो यहाँ पे सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखेगा आपको। देखो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा, इसके जो वर्ड अलग है, ये फैंटेसी देखो अलग है, मोनोस्पेस अलग है, कर्सिव अलग है, ये देखो हमारा इसका थोड़ा सा स्ट्रोक मतलब क्या है, देखो इसी की बात हो रही है। स्ट्रोक जो है ना इसकी, देखो इसकी जो है ना विड्थ बोल सकते हैं आप आई थिंक उसको, बॉर्डर, या फिर देखो इसका, देखो इसमें एच में और इस एच में डिफरेंस है, ठीक है। यही सेंस और सेंस सेरिफ में फर्क है। तो ये है जेनेरिक फैमिलीज, इनको यूज करके काफी सारे फॉन्ट बनाए गए। तो हम लोग और भी है फॉन्ट, लाइक हम लोग एरियल वगैरह यूज करके देखते हैं यहाँ पे। चलो अभी ये तो पांच, ये सिंपल सिंपल चीज है, बस हमको फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी यूज करना है हमारे सीएसएस की और उसके आगे लिख देना है बस। मैं क्या करता हूँ एरियल लिखता हूँ, एरियल हेलवेटिका सेंस सेरिफ। देखो यहाँ पे 3 आ गए, इसका मतलब क्या, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो ये चलेगा, ये नहीं है तो फिर ये चलेगा, लाइक दिस। देखो अभी क्या चलता है, लाइक अभी कौन सा चला, हम लोग एरियल चला आई थिंक, तो मैं एरियल को हटा देता हूँ या फिर एरियल के नाम में कुछ अलग नाम देता हूँ, एरियल ही। तो देखो अभी अलग चला एंड देन अभी मैं हेलवेटिका में भी कुछ गलत कर देता हूँ। अच्छा आप बोलेंगे अभी इसमें डिफरेंस तो पता नहीं चल रहा है हम लोग को, ये तो सेम सेम दिख रहा है, तो क्यों पता है आपको? एक्चुअल में ये जो है ना, ये सैन सेरिफ जो है ना हमारा, ये जेनेरिक फॉन्ट फैमिली मतलब इसका यूज करके बनाया गया है हम लोग को, ठीक है। तो आपको फर्क ज्यादा नहीं दिखाई देगा, बट मैं अभी फर्क आपको दिखाऊंगा कैसे दिखेगा। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग गूगल फॉन्ट का यूज करना सीखेंगे। ये तो हुआ लोकल फॉन्ट के बारे में जो हम लोग अभी तक यूज करते आए, ठीक। बट हमको क्या करना है, गूगल से फॉन्ट यूज करना है। बट उसके पहले, जाने के पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। याद है आपको मैंने 2 तरीके बताए थे सीएसएस को कनेक्ट करने के, 2 वेज हम लोगों ने देखे थे सीएसएस को यूज करने के एचटीएमएल में। बट एक एक तरीका हमारा रह गया था, लाइक वन वे हमारा रह गया था, वो था हमारा जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है जो हमारी एक्सटर्नल, एक मिनट, मतलब अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, सीएसएस का कोड
और HTML का कोड एक ही फाइल में लिख रहे थे। देखा आप लोगों ने, हम लोगों ने कोई भी ऐसी CSS की अलग फाइल नहीं बनाई यहाँ पे, दिख रहा है किसी को? हम लोगों ने कभी नहीं बनाई अभी तक CSS की अलग फाइल। बट हम लोग अभी क्या चाहते हैं कि हमारे पास ना बहुत सारी CSS होने वाली है, हमारे पास CSS की कई हजार लाइनें होने वाली है एक पेज के लिए या फिर मल्टीपल पूरे साइट के लिए। तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो कंटेंट है ना, जो CSS का हम लोग लिखने वाले स्टाइल से, ये किसी अलग फाइल में मेंटेन रहे, ताकि क्या बोलते हैं, खिचड़ी ना बन जाए इधर पे। यहाँ पे HTML भी है, फिर CSS भी रहेगा, सब कुछ एक साथ में तो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, CSS को जो है ना वो अलग से रखेंगे, ठीक। तो अभी देखते क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना हम लोग को, हमको सिंपल जो आज तक हम लोग यहाँ पे करते थे इसको बस एक अलग फाइल में बना के रखेंगे सिंपल। तो कहाँ पे बनाने का फाइल, लेट्स सी, यहाँ पे देखो कहीं पे बनाओ आपको उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको पाथ सही से देना पड़ेगा। मैं भी लिख रहा हूँ देखो, स्टाइल डॉट CSS। ओके, अब नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने स्टाइल दिया, आप कुछ भी दो आपकी मर्जी, ठीक है। डॉट CSS मैंने आगे लगाया, तो ये एक्सटेंशन है CSS की फाइल बनाने का। सो मैंने क्लिक किया, दैट्स इट, सिंपल। अब आप सोच रहे हैं यार ठीक है चलो ये तो बना लिया, इसमें अभी यहाँ पे डायरेक्टली लिखना है या फिर कुछ और भी है, जैसा हम लोगों ने स्टाइल एट्रीब्यूट लिखा था, स्टाइल टैग लिखा था, तो यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत है क्या? नो, हमें कुछ भी जरूरत नहीं लिखने की, ना कोई टैग यूज करना है स्टाइल टैग, ना कोई हमें स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करना है। सीधा सिंपल हमें क्या करना है, क्लास बनाना है, आईडी बनाना है या फिर डायरेक्टली अप्लाई करना है। लाइक अभी मैं क्लास बना के काम करूंगा। ओके, तो देखो मैं सिंपल, हमको पता है क्लास कैसे बनाना है, हम लोग बनाते हैं फॉन्ट, कुछ अच्छा नाम देते, चलो एफ फॉन्ट देते, चलो ना अच्छा नाम नहीं है बट चलो चलता है, लाइक ये बनाया मैंने। ओके, इस तरह से सिंपल काम करना है हमारा। अभी मुझे करना है फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली में जाता हूँ। देखो यहाँ पे काफी सारे मुझे बता रहे हैं लोग, सजेशन दे रहे हैं, तो इसमें से मैं ये वाला यूज कर लेता हूँ, चलो ठीक है, देखते क्या होता है, ये वाला यूज कर लेते हैं हम लोग। ओके, एफ हाइफन फॉन्ट। अब आप बोलेंगे यार ठीक है, आपने तो फाइल भी बना ली CSS की, ये तो हमको समझ में आया, क्लास भी बना लिया, ये भी हमको पता है, बट इसको इसके साथ में कनेक्ट कैसे करेंगे ना, राइट ना? उसको क्या पता यार, इसी में जो क्लास लगेगा, लाइक मैंने अभी देखो पी टैग दिया, ठीक है, यहाँ पर इसमें कुछ पैराग्राफ है, ओके, तो वो CSS फाइल कैसे हम लोग बोलेंगे कि इस HTML के लिए है, ठीक है। ये एफ फॉन्ट जो है उसको यहाँ तो मिल नहीं रहा है इस फाइल में, तो वो क्या अप्लाई करेगा? देखो तो रिफ्रेश करता हूँ मैं, नहीं उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अभी दोनों का रिलेशन बनाया नहीं, दोनों को कनेक्ट ही किया नहीं अभी तक। सो हमें उसको फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा, ठीक है, कनेक्ट बोलो या लिंक बोलो, लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। ये थर्ड वे हमारा, हम लोग जो देख रहे हैं इसमें हम लोगों ने क्या बनाया, पहले तो हम लोगों ने CSS को अलग ही लिखना चालू किया, अभी CSS की एक अलग ही फाइल बनाई, उसके अंदर ही हम लोग CSS का कोड लिखेंगे, ठीक है, सिंपल। उसमें हम लोग क्लासेस बनाएंगे, जो कुछ हम लोग करते थे, आईडी बनाएंगे, सब कुछ यही पे करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आने नहीं देंगे। फिर आप बोलेंगे यार चलो इसकी जरूरत है नहीं अभी, या ये आपको समझने के लिए मैंने लिखा था, तो इसको रहने दो फिलहाल के, ओके। बट अब उसको यू कनेक्ट कैसे करना है, लिंक कैसे करना है, तो हमारे पास ये एक लिंक टैग, क्या है, लिंक टैग देखो कुछ इस तरह से, उसमें एक एट्रीब्यूट रिलेशन, वो है स्टाइल शीट, उसको HRF में हम लोग, याद है आपको, एंकर टैग में मैं देता था अलग लिंक कहाँ पे जाना है, तो वैसे ही ये लिंक टैग जो है हमारा लिंक करेगा CSS को यहाँ पे। तो आपको स्टाइल और CSS ऑटोमेटिकली आया यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा जो है ना VS को थोड़ा सा क्या है कि इंटेलिजेंस, मतलब थोड़ा सा होशियार है हमारा ये, तो ऑटोमेटिकली उसने ले लिया यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS। वैसे बेसिकली क्या होता है, CSS की जो फाइल होती है ना उसका मोस्टली नाम रखते हैं स्टाइल डॉट CSS, बट हमारे हिसाब से नाम रखते हैं। लाइक मुझे अगर हेडर के लिए अलग CSS चाहिए, अभी मैं बताऊंगा, आएंगे टॉपिक पे हम लोग जब HTML5 पढ़ेंगे, तो मैं बताऊंगा आपको हेडर क्या है, फुटर क्या है, क्या होता है वेबसाइट में, वो हम लोग को देखना है अभी तक। बट इतनी लाइन करने से क्या कनेक्ट हो गया, क्या हमारा अब होता क्या, देखो ये मैंने कनेक्ट किया यहाँ पे, तो ये जो कोड है हमारा ये यहाँ पे ऐसा समझ लो कि यहाँ पे रिप्लेस हो गया, जस्ट थिंक, ऐसे सोचो बस कि हम लोग ने जो वहां पे लिखा था वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। किसने किया, इस लाइन ने किया, ऐसे कनेक्ट किया, बस लिंक किया, क्या अभी होगा काम? देखो अभी आपका फॉन्ट चेंज हो गया, यहाँ पे देखो आपका फॉन्ट ना भी चेंज हो गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये चल गया। देख अभी और चलने के लिए मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूँ, कलर एक्वामरीन कर लेते हैं, रिफ्रेश, ये देखो एक्वामरीन किया मैंने कलर इसका। तो क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये कि हमारी फाइल लिंक हो गई, दो अलग फाइल हम लोगों ने मेंटेन की, एक CSS की अलग की। बट इससे देखो एक फायदा हो रहा है, क्योंकि पहले क्या होता था, हम लोग सब एक ही साथ करते थे, HTML भी उधर पे ही, CSS भी उधर पे ही, तो वो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा, मतलब वो क्या हो गया, सब वही पे कर रहे हैं हम लोग, तो वो एक अच्छा तरीका है नहीं। अगर लार्ज प्रोजेक्ट की बात करूंगा मैं, तो वहां पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि
क्या होता है कि मल्टीपल फाइल्स होते हैं एचटीएमएल के, मल्टीपल सीएसएस के फाइल्स होते हैं, मल्टीपल जावास्क्रिप्ट के फाइल्स होते हैं, तो ऐसे एक के अंदर एक ही लिखेंगे तो फिर वो एक ही फाइल बड़ी हो जाएगी, लाख 1 लाख 2 लाख तक चले जाएंगे, बाकी फाइल्स तो फिर कुछ काम के रहेंगे। तो इसी तरह अलग अलग फाइल्स बनाते हैं, लाइक अभी हम लोगों ने आज जावास्क्रिप्ट सीएसएस की फाइल बने अलग से, कल हम लोग जब जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तो जावास्क्रिप्ट की एक अलग फाइल बनाएंगे। ठीक है, तो आया ये समझ में? आया थर्ड वे हमारा, सबको समझा गया? ये इंपॉर्टेंट बात है। सर, ये लिंक वाला एक बार बताओ ना। ओके ओके ओके, देखो ये सिंपल है। देखो ये लिंक है ना, जो टैग लिंक टैग, ये लिंक टैग हमको यूज करना है। अभी ये टैग देखो कुछ इनपुट जैसा लग रहा है आपको, इसको क्लोजिंग टैग है नहीं, इस तरह से क्लोज किया गया हम लोगों ने इसको, नहीं किया, इसको जरूरत भी नहीं है। ओके, वैसे क्लोज करने की तो हमें क्या करना है, ये रेल का मतलब रिलेशन स्टाइल चेंज। ओके, ये एचरेफ की जगह पे हमें फाइल का वो देना है, हमारी जो सीएसएस की फाइल है हमारी स्टाइल डॉट सीएसएस, उसका नाम दे देना है यहाँ पे, अगर वो किसी फोल्डर में है। सपोज देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे फोल्डर बनाता हूँ, लाइक माई सी एस एस, इस तरह से मैंने फोल्डर बनाया और ये जो फाइल है इसमें रख दिया मैंने, तो क्या अभी ये इसको मिलेगी? देखो तो नहीं मिलेगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये इसका लोकेशन अलग है ना। देखो ये तो एक ही फोल्डर में माई सी एस एस में है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करेक्ट पाथ देना पड़ेगा, माई सी एस एस स्टाइल डॉट सी एस। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, एच रेफ जहाँ पे हमारे सी एस एस की फाइल है वो वाला पाथ देंगे। ठीक है, इससे होगा क्या, ये जो कोड होगा सीएसएस का, ये हमारा लिंक हो जाएगा इस एचटीएमएल के साथ में, हम लोग जो भी क्लासेस है जो भी सीएसएस होगी वो यहाँ पे इस पेज के ऊपर हम लोग यूज कर पाएंगे। सिंपल क्यों है ये तरीका, क्योंकि हमको दोनों भी सेपरेशन करना है, सीएसएस को सेपरेट किया, एचटीएमएल को एचटीएमएल में लिखेंगे, सीएसएस को सीएसएस फाइल में लिखेंगे। ठीक है, रिफ्रेश देखो चल रहा है यहाँ पे, राइट, आपको बस पाथ सही देना है, अभी समझा? यस सर, यस। ठीक है, और क्वेश्चन किसी का, कुछ क्वेश्चन और, कुछ क्वेश्चन किसी का? सर, ऑल एचटीएमएल के लिए लिंक हो गए हैं। हाँ मतलब अभी कैसे है कि अगर मैंने यहाँ पे किया ना, तो यहाँ पे मैं देखो लाइक आप सोच रहे लाइक मैंने यहाँ पे कुछ और किया, समझो मैंने क्या किया, एसयू किया यहाँ पे। अच्छा अभी आप लोगों की एक टेस्ट होगी यहाँ पे, आप लोग मुझे बताएंगे कौन सा क्या चलेगा। ओके देखो मैं कलर यहाँ पे रेड लेता हूँ, अच्छा आप लोग मुझे बताएंगे, मैंने यहाँ पे H2 रेड लिया, तो मुझे ये बताओ यहाँ पे तो H2 है 5, तो क्या इनको कलर आएगा? देखना सोच के बोलना, क्या लगता है नहीं आपको? मैं रिफ्रेश करता हूँ, आएगा जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा, यही तो आपका आंसर का जवाब यही है, आपके सॉरी क्वेश्चन का आंसर यही है कि आप जब भी ये इस तरह की फाइल लिंक करोगे तो ये पूरे पेज के लिए हो जाएगी, मतलब पूरे HTML के लिए हो जाएगी। तो इसमें अच्छा अब आप सोच रहे होंगे, आप लोगों ने मुझे बताया क्यों आपने गलत दिया, ऐसे हो सकता है कि आप सोच रहे हैं ये तो नीचे लगा है ये ऊपर है, ऐसे कुछ सोच रहे हैं आप लोग, बट नहीं एक्चुअली इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको नीचे लगाओ लास्ट में तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पर रिफ्रेश, देखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, इसको कहीं पे भी लगाओ इससे कोई फर्क नहीं, ये बस लिंक करेगा। ठीक है, ये आपका कोई लाइक सीक्वेंस मैटर नहीं करता, बट रिकमेंडेड क्या है ये मैं आपको बताता हूँ अभी, ये तो हम लोग कहीं पे कर भी सकते हैं। ओके, बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर नहीं जाना, बट हम लोग क्या बोलेंगे अभी, इसको सबसे ज्यादा रिकमेंडेड वे क्या है इसको लिंक कराने का, कहाँ पे लिखना चाहिए, तो मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, ऐसे सब कुछ लिंकिंग वाली चीजें हमें हमेशा हेड टैग में लिखना चाहिए। ठीक है, इसका एक रीजन मिलता है कि ये हेड टैग है ना जो इसमें सब मेटा डेटा वगैरह होता है, तो ये पहले चलेगा, ऐसे इसका रीजन समझ सकते हैं हम लोग। ठीक है, समझने के लिए अभी के लिए तो यहाँ पे आपको हमेशा लिखना चाहिए लिंक वगैरह। तो अभी आप सोच रहे हैं चलो ठीक है, ये भी बात आपने बोली, तो इसमें का जो कोड ये भी चल गया, हम लोगों ने देखा यहाँ पे H2। अब आप किसी ने किसी को क्वेश्चन है कि H2 के अंदर जो कलर कैसे आया, सेम चीज है भाई। देखो हम लोगों ने क्या किया, बस इसको सेपरेट किया, तो आप ऐसे अज्यूम कर सकते हैं जब भी मैं लिख कर रहा हूँ तो इस स्टाइल टैग के अंदर आपका पूरा कोड आ रहा है वहां से, या तो फिर ऐसे समझ लो कि ये लिंक है जो हमारा यहाँ पे जब ये रन होगा तो हमारा स्टाइल टैग बनता है इंटरनली, ऐसे समझ लो आप, सिर्फ मान मत लो, बस समझने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ऐसे ये जितना भी कोड रहेगा यहाँ पे आके इधर पे पेस्ट हो जाएगा, एंड देन अब आप सिंपल वही तरीका होगा सेकंड वे, बस फर्क क्या है कि हम लोग को यहाँ पे सब कुछ खिचड़ी नहीं बनानी, इसलिए मैंने इसको अलग फाइल में लिखा। ओके, बाकी सब कुछ चीजें सेम रहेगी, वो जो मैंने सिक्वेंस बताया था, वो जो प्रायोरिटी बताया था, वो स्पेसिफिसिटी बताया था, वो सब कुछ रिमेन्स वैसे की वैसी है, ओवररिडन वाला सब कुछ वैसे की वैसी है, कुछ चेंज नहीं होने वाला। अभी आप सोचेंगे यार चलो ये बात भी बराबर बोली आपने, फिर अगर मेरी दूसरी फाइल मैंने लिंक किया तो क्या होगा?
ओके अभी वो देखते हैं। चलो अच्छा ये बात तो समझ में आई, मतलब आप एक फाइल अगर लिंक कर रहे हैं तो उसमें जितनी भी सीएसएस होगी वो ये सब पे अप्लाई होगी इधर पे, ठीक है, ये पूरे फाइल के ऊपर। ये तो क्लियर हो गया शिवा? यस सर। चलो अभी एक और यूज केस देखते हैं हम लोग, ट्राई करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, अभी ये स्टाइल मेरी एक फाइल बनाया है, और एक फाइल बनाता हूँ। चलो स्टाइल वन डॉट सी एस एस, ठीक है, स्टाइल वन डॉट सी। इसमें मैं क्या करता हूँ, एस टू को मैं कलर देता हूँ कलर येलो। देखा मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैंने कलर येलो दिया है और यहाँ पे मैंने कलर रेड दिया है। तो अब मुझे आप लोग बताएंगे कौन सा चलेगा, बट उसके पहले मैं लिंक करवाता हूँ। देखो फिर से मैं लिंक टैग हमको यूज करना है, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे स्टाइल, अभी देखो पाथ हमको सही देना है, ओके, पाथ गलत हो गए तो फिर गड़बड़ हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। अब मैंने कितने फाइल सीएसएस के लिंक किए यहाँ पे, दो। तो आप लोग अभी गेस करो कि हमारे एस टू को कौन सा कलर आने वाला है, अब कौन सा आएगा एस टू को कलर। गलत आया तो भी चलेगा, बट आप लोग बोलना, मुझे आपके तरफ से एक्सपेक्टेड आंसर क्या देते हैं आपको। टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी जल्दी। ओके किसी ने आंसर किया है, ओके शिवा ने किया आंसर, सिंपल। एक बार और देखो, देखो ओवर रीडर वाला याद करो रूल, और इसको देखो एक बार, मैंने लिंक कहाँ पे लिखा है, कौन सा लिंक किधर पे लिखा है, इसमें क्या लिखा है सीएसएस में, और इसमें क्या लिखा है। सेव करता हूँ मैं, चलो आई थिंक आप लोग नहीं कर रहे, तो मैं करता हूँ। येलो यहाँ पे देखो, येलो क्यों पता है, पता है क्यों येलो क्यों आया, अब देखना। अब आप लोग गेस करोगे, एक बार रुको, अभी मुझे आप लोग गेस करके बताओ। आई थिंक अभी सही कर सकते हैं आप लोग। मैंने सेव किया, देखना आप, ये देखो सेव किया मैंने, रिफ्रेश किया, मिल गया आंसर आपको। किसको नहीं मिला आंसर, हाँ, येलो मानसी ने भी आंसर दिया, आई थिंक। ओके सिंपल है ना, क्यों, देखो ओवर रिटर्न यहाँ पे भी काम आता आपका, क्या है कि स्टाइल वन में आपका क्या था, आपकी बारे में स्टाइल वन में आपका येलो कलर था, ओके, ये प्रॉपर्टी आपको मैंने बोला ना, वही रूल यूज करो मेरा वाला, कि आप यहाँ पे आपको लिंक टैग कंसिडर नहीं करना। आप सोचो कि इसमें इसके बैकएंड में क्या हो रहा है, बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, एक स्टाइल टैग बन रहा है इस तरह से, हाँ इसमें एक स्टाइल टैग बन रहा है ऐसे, एक जस्ट अज्यूम करो, ओके यहाँ पे, और इसमें का जो कोड था यहाँ पे आ गया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया हम लोगों ने दिन यहाँ पे, ओके, एंड क्या होगा, ये बन गया, ठीक है, इस तरह से रन टाइम पे। दिन दूसरा स्टाइल आएगा, स्टाइल आएगा, ओके, दिन यहाँ पे दूसरा कोड होगा, ये वाला कोड आएगा यहाँ पे, देखना सिंपल तरीके से। अब मुझे बताओ आपको क्या लग रहा था, देखो ओवर रिडन हुआ यहाँ पे, एस टू पहले था तो दूसरा एस टू चलेगा ऑलवेज, क्योंकि नीचे हम लोगों ने रिडिफाइन किया ना उसको, रिफ्रेश, देखो सिंपल। और मैंने यही बात की, क्या किया था मैंने, मैंने बस इसका सीक्वेंस चेंज किया, लाइक मैंने इसको उठाया यहां से और यहाँ पे रख दिया, देखो अभी क्या चलेगा, ऑब्वियसली येलो चलेगा, है ना, ऑब्वियसली येलो ही चलेगा ना, क्यों, क्योंकि एस टू जो है वो ओल्ड है, ये एस टू नया है, सिंपल। आई थिंक आपको समझा होगा अभी, समझा, यस सर, चलो बढ़िया, यस सर, क्वेश्चन अगर हुआ ना मुझे अभी पूछना, ठीक है। अभी कितने भी फाइल दो आपको, आई थिंक समझेगा, कितने भी मैं सीएसएस के फाइल दू आपको और सब में अलग अलग प्रॉपर्टी है या फिर रिपीट हो रही है प्रॉपर्टी, तो आई थिंक आप लोग 100% बता पाओगे अभी कि कौन सी प्रॉपर्टी चलेगी। थोड़ा टाइम लगेगा समझने के लिए, प्रैक्टिस करने पे ये आपका परफेक्ट हो जाएगा। ओके सो अभी क्या करते हैं, तो अभी ये लिंक टैग का यूज करेंगे हम लोग अभी गूगल फॉन्ट को करने के लिए। ओके सो चलो चलते हैं यहाँ पे, हम लोग अभी गूगल फॉन्ट की तरफ चलते हैं, गूगल फॉन्ट्स वेबसाइट पे। गूगल फॉन्ट्स पे चलेंगे, यहाँ पे मल्टीपल फॉन्ट्स मिलेंगे हम लोग को जैसे भी चाहिए। देखो आइकॉन्स भी हैं यहाँ पे, मैंने इसके आइकॉन्स ज्यादातर यूज नहीं किए हैं, बट यहाँ पे आइकॉन्स है राइट, तो आइकॉन्स भी मैं आपको यूज करना सिखाऊंगा, बट पहले फॉन्ट कर दे।
तो अभी सोचो कि मुझे क्या करना है, ये वाला तो, ये तो नहीं समझेगा अपने को, इसमें से कोई अच्छा वाला फोन उठा लेते हैं हम लोग। लाइक हमारे देखा नहीं ये कभी ऐसा फोन, ये तो नहीं समझेगा। कुछ ना कुछ सिंपल वाला चाहिए अपने को, कर्सिव वाला दिख नहीं रहा इसमें कोई भी। अच्छा सर्च वाला है आई थिंक यहाँ पे ना, सर्च फॉन्ट है देखो, कर्सिव। ओके देखो मैंने जब कर्सिव लिखा तो नीचे देखो ये वाला आया, तो हम लोग इसको यूज करते हैं। तो उसके बाद क्लिक करना है सिंपली सेलेक्ट दिस स्टाइल। ओके देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये फॉन्ट का नाम वगैरह आ रहा है रेगुलर 400। यहाँ पे एक चीज आ रही है देखो, लिंक टैग आ रहा है यहाँ पे सिंपल, यहाँ दिख रहा होगा आई थिंक आपको ये लिंक टैग। तो हमें क्या करना है, सिंपली कॉपी करना है इसको, पूरा कॉपी करना है। देखो यहाँ से लिखे हाथ, सिंपल कॉपी करना है। ओके देन व्हाट, फिर क्या करना है अपने को, यहाँ पे एट द रेट इम्पोर्ट है ना, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा जब मैं CSS3 पढ़ाऊंगा आपको, तब मैं आपको बताऊंगा एट द रेट इम्पोर्ट। बट अभी के लिए लिंक टैग, चलो यहाँ पे हम यहाँ पे आते हैं एंड फॉर्मेट करते हैं। मैंने बस कॉपी किया, अभी ऊपर के जो CSS में इसकी जरूरत नहीं हमको, इसको मैं कमेंट करके रखता हूँ, अभी उसको कमेंट किया। अभी नीचे देखो लिंक प्री कनेक्ट इन लोगों ने दिया है, और इसके आगे कुछ लिंक दिया है गूगल APIs की, ठीक है, HREF दिया है। ये लिंक देखो, इसके आगे कुछ लिंक दिए इन लोगों ने जो हमको मिला है वहां से। ओके और यहाँ पे देखो HREF में हमको फॉन्ट की लिंक मिली है, CSS2 फैमिली इक्वल टू समथिंग प्लस समथिंग लाइक डिस्प्ले स्वैप इस तरह से। तो ये जो है ना, ये आपको CSS दिख रही है, मतलब हर फॉन्ट के लिए भी कुछ ना कुछ CSS यूज किए लोगों ने, राइट ना। देखो स्टाइल शीट इसका रिलेशन है, बट ऊपर वैसे नहीं है। देखो जैसे प्री कनेक्ट, प्री कनेक्ट एक्चुअली ये जो है ना उनसे कनेक्ट होने के लिए। समटाइम्स क्या होता है कि लाइक आपकी जो वेबसाइट लोड होती है तो कनेक्ट नहीं हो पाती, तो इसलिए लोगों ने प्री कनेक्ट लिखा है यहाँ पे पहले से उसको होने के लिए। अब देखते हैं हमारे फॉन्ट्स पे जाके रिफ्रेश। अभी आप सोच रहे हैं यार चलो ठीक है, फॉन्ट अभी तक तो हमने लगाया, फिर ये दिख रहा क्यों नहीं अभी। बस इतना लगाने से काम नहीं होगा ना, ये तो हम लोगों ने बस फॉन्ट कनेक्ट किया, ऐसा समझ लो कि हम लोगों ने बस डाउनलोड किया। ओके डाउनलोड किया, बट अभी तक हमको इसको लिंक करना पड़ेगा। ओके तो अभी इसको लिंक करने के लिए वही चीज है, हमको फॉन्ट फैमिली जो है ना वो प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगी हमको। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना स्टाइल एट्रीब्यूट लेता हूँ, फॉन्ट फैमिली यूज करता हूँ। एंड देन अभी आप बोलेंगे यार इसका नाम क्या है, मुझे कैसे पता चलेगा। वैसे तो नाम यहाँ पे है देखो, सिडर विल्ले एंड कर्स प्लस कर्सिव, तो हमको ये नाम यूज करना है। बट फिर भी हम लोग गूगल की तरफ चलते हैं एंड देन वहां से नाम उठाते हैं। लाइक नीचे देखो स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी इन लोगों ने दी है, कॉपी करो यहाँ पे आओ एंड देन देखो मैंने यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दिया। पेस्ट कर दिया सिंपल। अब देखो आपको ये समझा होगा, ये फॉन्ट हमारा इंपोर्ट मेन है और ये बैकअप फॉन्ट है। बैकअप क्या है, ये जेनेरिक, क्या बोला था मैंने तब से, जेनेरिक फॉन्ट फैमिली, ठीक है, मतलब इसका यूज करके इन लोगों ने ये बनाया। तो अभी देखते चलो हमारी वेबसाइट पे चलते हैं, रिफ्रेश। ये देखो यहाँ पे क्या हम लोगों ने यूज, सिंपल है ना, ज्यादा कुछ है नहीं, टिपिकल है नहीं, प्रॉब्लम है नहीं कुछ, एकदम सिंपल सी प्रोसेस है। क्या है, जाने का अपने को गूगल की प्लेटफॉर्म पे, fonts.google.com पे, वहां पे अपने को फॉन्ट सिलेक्ट करना है, ये आ जाता है, यहाँ से हमें बस लिंक टैग कॉपी करना है, पेस्ट करना है एंड देन हमको हमारा वो यूज करना है। बट अगर आप ये लिंक नहीं करोगे ना तो फिर आपको इसका एक्सेस नहीं मिलेगा, मतलब ये आप यूज करके फायदा नहीं इसका, फिर आपका बैकअप फॉन्ट चलेगा। लाइक सपोज देखो कुछ रीजन की वजह से आपका ये लाइन जो है ना, मतलब आपका गूगल का सर्वर नहीं चला, सपोज इन केस हम लोग कंसिडर करते हैं ये लाइन हम लोगों ने कमेंट कर दी, इसका मतलब नहीं चला, बट नीचे हम लोगों ने यूज किया स्टाइल फॉन्ट फैमिली सेडर ये जो भी नाम है उसका कर्सिव, तो अभी क्या चलेगा, जो बैकअप फॉन्ट है ना हमारा वो चलेगा। देखो कौन सा चल रहा है, ये चल रहा है हमारा कर्सिव, ये जो जेनेरिक फॉन्ट फैमिली ये चलेगा, ठीक है समझा। यस सर, चलो ठीक है, सबको आया ना समझ में, सिंपल है। बट ये क्या है कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं स्टार्टिंग में, बट मैंने आई थिंक अच्छी तरीके से बताया आपको, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा, ट्राई करके देखना पड़ेगा, तब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक समझेगा नहीं अपने को। ओके तो ये था फॉन्ट्स के बारे में, अब क्या करना है, अब हमको थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं। ओके फॉन्ट के फॉल बैक, तो मैंने आपको मतलब फॉल बैक का मतलब यही है, देखो ये बैकअप फॉन्ट है। ओके अगर ये कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं चल रहा है पहला फॉन्ट तो देन ये चलेगा,
ठीक है, सिंपली बैकअप के वास्ते देते हम लोग, बैकअप के लिए दे रहे। और क्या क्या है भाई इसमें देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज है, छोटी छोटी फॉन्ट की प्रॉपर्टीज है, उसको देखते हैं हम लोग। ओके, तो फॉन्ट स्टाइल नाम की प्रॉपर्टी है जो मोस्टली यूज होती है। अभी तक हम लोग टैग यूज करते थे ना, सिंपल मुझे इटैलिक वगैरह करना है तो देखो यहाँ पे मैं एक फॉन्ट यूज करता हूँ, S3 करता हूँ यहाँ पे, हेलो आई एम शाहिद। ओके, इस तरह से। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मुझे इसको इटैलिक करना है, तो मैं क्या वापस से वो टैग यूज करूँ, आई टैग इटैलिक वाले के लिए, ईएम टैग, वो नहीं करूंगा। ठीक है, मैं सिंपली क्या करूंगा, फॉन्ट स्टाइल नाम की प्रॉपर्टी यूज करूंगा, फॉन्ट स्टाइल। ओके, इसके अंदर देखो कुछ चीजें दी हमको, नॉर्मल, ऑब्लिक, नॉर्मल, इटैलिक, इस तरह से दिए, तो हम लोग इटैलिक यूज करते हैं। सो इट बिकम्स इटैलिक, दिखा दे हम लोग, दिखाता हूँ मैं आपको, रिफ्रेश, ये देखो इटैलिक हो गया। मतलब हम लोग को ज्यादा ज्यादा चीजें क्या करनी है, अभी यूज से ही करनी है। ओके, ठीक है, आया समझ में, सिंपल। अब देखते दूसरा, इसमें वो इटैलिक है और ऑब्लिक क्या है वो देखते हैं। ऑब्लिक रिफ्रेश, थोड़ा सा लाइक वैसे ही है पर थोड़ा सा डिफरेंस है बस। अलोज इटैलिक और ऑब्लिक फेसेस टू बी सिलेक्टेड, इटैलिक फॉर्म्स आर जनरली कर्सिव इन नेचर व्हाइल ऑब्लिक फेसेस आर टिपिकली स्लोप वर्जन ऑफ अ रेगुलर फेस। मतलब थोड़ा सा लाइक थोड़ा सा ये स्लोप टाइप दिख रहा है आपको, और जो इटैलिक होता है ना वो मोस्टली कर्सिव होता है, लेकिन दिख रहा है आप, थोड़ा फर्क है इसमें, थोड़ा सा फर्क है, नॉर्मल सा वो समझ में नहीं आ रहा है बट फर्क है यहाँ पे। तो इस तरह का अगर आप साइट में बनाओगे तो कितने अट्रैक्टिव लगेगी, मतलब ऐसे नहीं बट जहाँ पे जरूरत है वैसे ही तरीके से हम लोग फॉन्ट्स यूज करेंगे। ओके, तो हम लोग अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये समझी के प्रॉपर्टी, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी, इसलिए मैं इस पर ज्यादा वो नहीं कर रहा। इसमें एक और है नॉर्मल, अगर आपको नॉर्मल दिखाना है तो वो बाय डिफॉल्ट होती है, नॉर्मल प्रॉपर्टी, नॉर्मल दिखेगा आपको टेक्स्ट यहाँ पे, तो क्या डिफॉल्ट है तो इसलिए उसको मैंने वो नहीं किया। अच्छा, ये हो गया फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी। बट सपोज आपको अगर ना फॉन्ट का साइज बढ़ाना है, देन हाउ कैन बी लाइक, हमको ना क्या चाहिए, हमको थोड़ा फॉन्ट का साइज बढ़ाना है। लाइक अगर देखो मेरे पास है ना एच, नहीं ड्यू टैग है, समझो ड्यू टैग है, उसमें कुछ कॉन्टेंट लिखा है मैंने, ठीक, और साथ ही में मैंने क्या किया, किसी को स्पैन यूज किया, लाइक मुझे इतना पोर्शन सिलेक्ट करना है, उसको मुझे कुछ सीएसएस अप्लाई करनी है, ठीक, यहाँ पे मैंने वो लिख दिया। अभी मैं इसमें स्टाइल से लिख रहा हूँ, देखो इसलिए काम आता है, ठीक है, इस तरीके से काम आता है हमारा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉन्ट साइज। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें ना ऐसे दी है, लाइक लार्ज, लार्जर, मीडियम, स्मॉल, स्मॉलर, लार्ज, एक्स लार्ज, एक्स मीडियम, सॉरी मीडियम नहीं, यहाँ पे स्मॉल है, तो ये चीजें हम लोग यूज करेंगे डिफॉल्ट, लाइक लोगों ने कुछ ना कुछ बना के रखा है, तो देखो लार्ज पे एक्स स्मॉल पे किया मैंने, तो देखो ये कितना स्मॉल हो जाता है, ये देखो यहाँ पे स्मॉल हो गया, ठीक है, ये वाला टेक्स्ट। अब मैंने इसको यूज किया एक्स लार्ज पे, तो ये लार्ज हो गया यहाँ पे। अगर आपने इसको यूज किया एक्स लार्ज पे तो ये उससे भी बड़ा हो गया, लाइक इस तरह से है। और अगर सपोज आप नहीं चाहते इनका जो डिफॉल्ट दिया है, हमको नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं लाइक 50 पिक्सल, सिंपल हमें चाहिए भाई 50 पिक्सल, तो 50 पिक्सल भी होगा इस तरीके से, तो हम लोग वो भी यूज कर सकते हैं। क्या परसेंटेज चलेगा यहाँ पे, 10% मैंने किया अगर, तो देखते ओके परसेंटेज, देखो इतना चल रहा है, चल रहा है परसेंटेज भी चल रहा है। अगर मैंने किया 100% तो कितना होता है देखते हैं हम लोग, देखो 100% भी हो गया बट वो समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि सब टेक्स्ट सिमिलर है ना, लाइक मैं दे रहा हूँ 200%, तो डबल हो गया, राइट, ओके डबल हो गया, जो करंट साइज है ना उससे डबल हो गया, समझ रहे हैं। छोटी 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 प्रॉपर्टीज है, फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी हम लोगों ने देगी, फॉन्ट स्टाइल देगी इटैलिक के लिए, उसके लिए इटैलिक के लिए समझ लो, फॉन्ट साइज देगी हम लोगों ने, फॉन्ट का साइज ये चेंज करने के लिए। गूगल फॉन्ट हम लोगों ने ऑलरेडी यूज किया है, देन हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी आई थिंक हमारी रह गई है, लाइक फॉन्ट फैमिली हम लोगों ने देखी है, स्टाइल देखा है, फॉन्ट वेट आई थिंक रही है, फॉन्ट वेट पढ़ना चाहिए। फॉन्ट वेट जो है ना वो हमारा जो बोल्डनेस होती है ना कम ज्यादा करने के लिए, उसके लिए यूज होती है। आई विल टेल यू, वन मिनट,
मतलब हमको जो है ना लाइक दिखाता हूँ, चलो एग्जांपल में देखते हैं हम लोग, इसी को पकड़ लेते हैं, चलो ये जो है ना इसको मैं ना स्पैन में लेते हूँ यहाँ पे, देन हम लोग इसके ऊपर ट्राई करेंगे प्रॉपर्टी हमारी फॉन्ट वेट की, फॉन्ट वेट करके देखो एक प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉन्ट वेट, तो ये प्रॉपर्टी अगर आप पढ़ोगे ना देखो यहाँ पे लिखा है लोगों ने स्पेसिफाइज वेट ऑफ ग्लिफ्स इन द फॉन्ट दिस देयर डिग्री ऑफ ब्लैकनेस और स्ट्रोक।